राजस्थान में भाजपा की जीत के 25 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन अब भी सरकार की पूरी तस्वीर सामने नहीं आ पाई है। मुख्यमंत्री भजनलाल की टीम के सिर्फ दो और चेहरे सामने आए हैं, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और प्रेमचंद्र बैरवा। मंत्रिमंडल के बाकी नामों पर अभी तक सस्पेंस बरकरार है। जानकारों का कहना है कि संभवतः राजस्थान में यह पहला मामला है जब चुनाव परिणाम में किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलने के 25 दिन बाद भी मंत्रिमंडल विस्तार ना हो पाया हो। इससे पहले अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे जब भी मुख्यमंत्री बने, उन्होंने फटाक से अपनी टीम गठित कर ली और राज्य के लिए बड़े निर्णय लेने शुरू कर दिए। लेकिन इस बार मामला ठंडा नजर आ रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि सरकार बनने के बाद हमेशा देखा गया है कि ब्यूरोक्रेसी पर काम और परफॉर्मेंस का दबाव बढ़ जाता है, लेकिन यहां ब्यूरोक्रेसी बिल्कुल फ्री नजर आ रही है। सरकार तक पहुंचने वाली फाइलों का सफर भी अधिकारियों की टेबलों पर रुका हुआ है। पुलिस और प्रशासन फिलहाल सीएम और दो डिप्टी सीएम के दौरों को लेकर व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में लगे हुए हैं। फिलहाल सीएम भजनलाल शर्मा के मंत्रिमंडल विस्तार में अभी और भी समय लग सकता है, ये जानकारी मिल रही है। शुक्रवार या फिर शनिवार को मंत्रिमंडल विस्तार होने की संभावनाएं जताई जा रही है। उधर मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर राजभवन अलर्ट मोड पर है। किसी भी समय सरकार से सूचना आने पर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा सकता है। दूसरी तरफ पार्टी के अंदर भी सियासी पारा गर्म बताया जा रहा है। कभी वसुंधरा राजे टीम के सदस्य ये चर्चा कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तरह नए चेहरों को मंत्रियों के चयन में ज्यादा मौका दे दिया गया तो उनके भविष्य का क्या होगा। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि 18 से 22 विधायकों का मंत्रिमंडल के लिए चयन होने वाला है, जिसमें से 70% तक नए चेहरे देखने को मिल सकते हैं, जिससे वसुंधरा सरकार में मंत्री रहे नेताओं की टेंशन बढ़ गई है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।